हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ कि भाई सबके सब ठीक हो, अपने घर में सही सलामत हों। तो ये मेरा मॉर्निंग के समय मैंने जो चाय बनाई थी उस टाइम का रूटीन है। मॉर्निंग में भी मैंने अपने लिए चाय रख दी थी, सार्थक के लिए दूध गर्म कर दिया था। एक चैनल पर भी पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाया करो, प्लीज़ लाइक कर दिया करो और एक वीडियो ने पूरी देख लिया करो बेबे। तो मैंने अपने लिए चाय रख ली थी और सार्थक का दूध पहले गर्म करके रख दिया था। अब इसकी चाय में मैं चीनी की वजह खांड डाल लूँ हूँ। खांड भाई थोड़ी ठंडी होवे है तो इस वजह से मैं खांडे यूज कराया करूँगी। और भाई आज यो मेरे तो बोल गया था कि मम्मी मेरे लिए आलू का पराठा बना दिए। मैं कहा जरूर भाई आलू का ही पराठा बनाऊँगी तेरे लिए। तो यहाँ पर मैंने तीन या चार, हाँ पाँच आलू उबाल लिए थे, वो छील छाल के। मगर भाई जो बच्चा को है देखो बनाना जरूर पड़ा है, तो ये आलू छील लिए थे मैंने, फिर अपना बना के और इसके स्कूल में पराठे भेज दिए थे। बच्चा भाई देखो जो कुछ कब है वो बनाना पड़ा है, क्योंकि बच्चे के लिए खूब बात करें हम। ऐसा तो है नहीं कि अपना अपना देखा जावे है, बच्चे के लिए जरूर। हालांकि मैंने घिया की सब्जी बनानी थी सुबह, रखी थी वो दो दिन से ला कर रख रखी थी, खेत में तई ले आए थे। लेकिन बच्चे ने ये घिया तोरी की सब्जी कति बढ़िया ना लग दी भाई। मेरा बेटा तो पराठे वेरा नहीं, स्कूल में तो जरूर कह के जाओगा मम्मी पराठा बना दे, तो फिर वो ये है भाई डेली तो देखो बना कर दिया ना कर दी पराठा, भाई सेहत के लिए इतना बढ़िया ना होता। तो एक आध बार बना दिया करूँ डेली, तो भाई नुकसान भी कर जाऊँ मैं शरीर में, इतने बढ़िया ना रहते। तो फिर मैंने आलू छील के कुछ खाना मारा भाई, शाम का बच रहा था खाने में क्या था, खीर बनाई थी। खीर तो पता भाई जो शाम ने बनाया उसने फ्रिज में रख दी थी, बाद में कैड कर तो ठंडी बढ़िया लग गई, एक नंबर की कलम आवश्यक थी ना, इसलिए जो शाम ने खीर बनाई थी वो थोड़ी बहुत बच गई थी वो रख ली थी। फिर चार पाँच रोटियाँ का चूर बेना था हमने, वीडियो की स्पीड फुल कर रखी थी, ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो गया था, कटिंग करने की वजह स्पीड बता दी मैंने, तो थोड़ा हाई लेवल ही की लाग रही वैसे तो। फिर चार पांच रोटियां का भी मैंने चून छान लिया था, मका चून ज़्यादा नहीं बेचती हूँ, जो खीर रखी है भाई कुछ वो खा लेंगे हम। बस सार्थक के थे बनाने पराठे तो स्कूल में भेजने थे उसके लिए, अब उसके पापा की जो इवनिंग शिफ्ट है तो उसका की कहा खाना ताज़ा चला जाओ भाई। 10 बजे ही, 10:30 बजे के करीब उसका लंच हो है, गाँव में पड़ा है, तो फिर मैं उसका गर्म खाना भेज दिया करूँ जब हो जावा थोड़ी मुश्किल 10 दिन की, जब इसके पापा की इवनिंग शिफ्ट हो है तो उसमें तो मैं उसका सुबह ही देकर गाल दिया करूँ भाई। वो है वो तो दिया मैं नहीं, तो बाकी देखो मेरे पे तो बार बार जाया नहीं जाता स्कूल में। अब भाई मखा भाई अपना जब मन तो दिन में ज़्यादा काम हो जाए तू अपना गेल ले जा कर थोड़ा कर तो हो आना कानी ही, अक मम्मी स्कूल में पहुँचवा दिया करो, उसने लेकर जाने की इतनी ज़रूरत है मतलब इतनी आदत नहीं है, ज़रूरत तो भाई है पर आदत नहीं है, उसने आदत पड़ रही है उसका खाना चौखे दिन हो लिया हम घर में पहुँचा दे में हैं उसी टाइम मतलब लंच के टाइम सी। तो यहाँ पर मैंने अपना चार पांच रोटियां का आटा है जो लगा लिया था, आटा लगाने के बाद इसमें भाई माटे में नमक ना डाल लिया करती, पराठे वगैरह जो कुछ बनावा दे भाई गेला नमक डाल ली मैं, मेरे पर तो फिर वो रोटी बद दी कौन है जो साथ में गेला नमक डालूँ ना तो वैसे हो जाऊँ मैं हूँ रोटी अजीब सी बद कहीं ना देती मतलब, तो मैं तो अपना सिंपल सा ही बनाया करूँ, सिंपल आटा गूथया करूँ बनाया करूँ क्या भाई मतलब सिंपल तरीके तय। तो फिर मैंने अपना ये चार पांच रोटियां का चून था जो बे लिया था, इससे पहले हम मैंने कई ये काम के कर लिए थे, हाँ मैंने कर लिया था डांगरा का काम कर दिया था भाई, जैसे खेत में तैनार ले आए थे गोबर गिर आए थे और भाई जो डांगर बांध के फिर बरंडा बरुंडा साफ करना वो, तो काम तो देखो जो टा लग गए है तड़की तो पूरा लग गया है लगातार, मैं लो 5 बजे से लेकर 11 बजे तक तो कत्ती बनया बैठे एक भी मिनट ना बैठ दी इतना लगी रहा अगर। उसके बाद भाई देखो 11 बजे के बाद तो शरीर में इतनी थकान सी हो जाए मेरा 4-5 घंटे के बाद, तो मैं ज़रूर 1 घंटा आराम करूँगी। फिर उसके बाद काम बन गया तो 11 बजे थी, उसके बाद तो वो है फिर तो सीधा 2-2.5 बजे ही सार्थक के स्कूल में आने के बाद दे काम शुरू, और जो नहीं बने हो तो 1 घंटा आराम करने के बाद 12 बजे ही
फिर दोबारा उठ कर लग जाऊँ। वो है भीतरे भीतर करना हो, जैसे पोचा मार लियो अंदर, जो धूप के काम वो पहले कर ली हूँ, जो जो भीतर करने वो बाद में कर लियो। एक मेरी ये टंकी ना मैंने चेंज नहीं कर ली अब तक, क्योंकि इसमें चून रहता 2-3 दिन का। मखा स्टील की जो लेकर आई थी, जब दोबारा चून पीसूंगी तो उसने जब रखूंगी, इतना मखा यह चल ले रही है। लेकर आई हूँ मैं, एक दिखाई भी थी मैंने थर्ते स्टील की टंकी चून डालने के लिए लेकर आई थी, वो थोड़ा इसके ढक्कन में है। वैसे तो यह भी ठीक थी भाई, बिना बात के तौर पर खोने का देखो मन भी शौक ना, फिर इसका ना ढक्कन हाँ सही ना था, छिपकली छापकली यार कुछ बड़न का बैर हुआ है, तो मखा चीज़ लेनी तो पड़ेगी अपना ठीक सी ले ली मैं, तो उसका ऊपर ढक्कन भी अच्छा यार अपना सही आ गई वो, मखा एक बे आ जाएगी टंकी। वैसे तो इसका कुछ ख़राब कौन हो रहा था, थोड़ा ढक्कन में दिक्कत सी थी बीच में, कसुराख से हो गया इसमें बढ़ जाव थी मुस्सी भी बढ़ जाए भाई, और छिपकली वगैरह भी खाम खाई हुए है चीज़ा की, वो थोड़ी ही रखनी पड़े लापरवाही में, पता नहीं कि ये घट जाए अगर घटना। कई बार आवे इसी बात सुनन में भाई खाने में ये पड़ गया वो पड़ गया, तो अपना इस तब यार इस टाइम पर तो छिपकली इतनी ज़्यादा हो रही है, कति खाने की हर एक चीज़ ढक कर रखनी पड़े है। हालांकि फ्रिज में भी चीज़ें ढक कर रखनी पड़े हैं, कई बार ऐसा हुआ है फ्रिज का जो साइड का सुराख से हो ना, उनमें के मैं कभी बढ़ जावा छिपकली, तो पहले तो मैं रखिया नहीं करूँ थी ढक्का, अब रख दी हूँ। देखो सारी तो रख दी नहीं, कह दियो भाई सारी रखूँ, एक आधी चीज़ें ना रख दी हूँ ढक, वैसे रखनी चाहिए ढक, पता नहीं लग गया करता कद के हो जाए। कई बार सुन लिया इसी इसी बात भी, एक भाई ये हो गया तो फिर मैंने अपने आलू हैं जो इसमें कुंडी में कूट दिए थे भाई, एक मिर्च डाल ली थी लाल, तो इसमें पहले वो मिर्च कूट ली, फिर ये 4-5 आलू थे जो इसके अंदर मैंने के डाल लिया था, देखो बताऊंगी इसमें डाल लिया था मैंने थोड़ा हाँ, तो नमक तो भाई डालना हो गई है सब ना पता परोठा में, तो गरम मसाला थोड़ा धनिया पाउडर थोड़ा हाँ जीरा भी डाल दिया था ये कूट के, फिर आलू कूट दिए थे अच्छी तरिया। कभी कभार बनाओ ना देखो वो तो टेस्टी लगा, लेकिन सारी अण तो परोठे भी बढ़िया ना लगते, फिर वो ये भी बच्चे की डिमांड पूरी ना करे तो देखो अच्छा हाँ तो ना लगता, क्योंकि बेटे ने ज़्यादा पसंद जो चीज़ हो वो एक आध दिन तो टाल दिया करूँ, जब लगातार ना टाल सकती एक भी नहीं बनाऊँ कति भी, ऐसा तो नहीं कर सकती, क्योंकि भाई देखो बच्चे के लिए करें जो कुछ करें हैं, मका भाई यो जो खा ले वह राजी हो वो ही बनाया जावे है। तो आज डिमांड रखा गया था स्पेशल कि मम्मी मेरे लिए आलू का पराठा होना चाहिए लंच में स्कूल के, मका ठीक है भाई बना दूंगी। तो ये आलू मैंने अच्छी तरिया अपना कूट लिए थे, आज तभी मैं कर सकूँ थी ना भाई, ज़्यादा बटरम सटरम तो मारे दो रहे नहीं, बिल्कुल देसी तरीके तो बनाया अगर कति कम चीज़ हो, इतना जुगाड़ नहीं ले रहे भैया उस चीज़ ने ये के कहा अगर मैसर मुसर है हम तो ले नहीं रहे, मारा तो मैसर ये कुछ काए है सही बतावा बात अपना इसके साथ ही कर लिया, अगर हम तो इन्ना मैस हाथ के साथ करना चाहो हाथ कर लो, भगवान ना आते रखे भाई सुख सुविधाएं वाली इतनी लाइफ हमारी है नहीं, नॉर्मल लाइफ है। और तुम्हें कहोगे भाई देखो के सिखा रही क्या बता रही भाई, वो ये है नॉर्मल जिंदगी में हर बार कंधे रहूँ हूँ भाई, नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, फालतू की ताम जाम में कुछ ना रखे उनका, देखो भाई जिसका जुगाड़ हो जी लो हमनू ना कंधे, पर बनया जुगाड़ तो बेफिजूल की चीज़ा पर खर्च करके कोई फायदा कौन हों, अपना इस तबड़ी है तो 2 रुपये की बचत करेंगे भाई भविष्य में भी काम आवेगी। लेकिन हाँ ये बात सही है भाई, वर्तमान भी अच्छा होना जरूरी है, ये नहीं है अक भाई वर्तमान बढ़िया ना, वर्तमान अच्छा होना बहुत जरूरी है, उसमें भी अपनी जो लाइफ हो जीनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं बनया जुगाड़ के चीज़ा ना खरीदो गेरो वो नहीं होना चाहिए भाई। तो मैंने स्टार्टिंग में 2 रोटी गाय के लिए बना दी थी, भाई गाय थी बना दी, फिर गाय पान दी नहीं भाई राम ये मम तो ना किसी की गाँ तो दिन दहनी लग डर किसी का कोई भरोसा नहीं भाई, केवरा के कह के खड़ा हो जाए कोई मारी तनू दे दिया ऊँ दे दिया, इसी ये दुनिया हो रही है अजकल, तो हम तो जो ये गायें है ना गलिया में नहीं अंडिया कर दी रहनी सुननी की कहा करें इन्हें जो सुननी गाय अंडिया करें लोग दूध पी कर छोड़ दे बेचारिया तो उनते दे दिया करें मका अपना वो तो उनते दे दे वे नहीं तो भाई देखो सही बताऊँ दी भी नहीं जाती किसी की तो डर लग।
आजकल किसी का कोई भरोसा कौन है भाई, कौन किस चीज पे के कह देवे। किसी के डांगर का चो जाए वो अपने आप फिर कहेंगे फलाना नू दे गया था, तो इस वजह तो मन तो लग गया डर, तो मत अपना जो रास्ते में पाव है तो सार्थ के पापा कह देगा पापा में तो ले जाइए कितनी दे दिए नहीं, बाकी भाई कल तो दो रोटी लेकर गया उसका पापा, वो गाय मिली नहीं कहीं उल्टी आई और शाम ने सा धोखा बनया मैं गाँ की रोटी खाई गई मार पे। कई बार हो जाए तो भाई ये लोई बना ली थी मैंने, फिर इसके अंदर थोड़ा आलू डाल के सिंग डबल नहीं बना था सिंगल बना था मैं, कभी सिंगल ही बना दूँ थोड़े सही है बन जाऊँगे, डबल भी बना लिया करूँ, पहले तो मैंने डबल कम बनाने आ थे लेकिन अब तो मैं डबल ज़्यादा बना कर दी, मतलब सिंगल नहीं बनाना आवा था, ये इसके अंदर देख आलू एक लोई ही बना कर थोड़ा बदा के, तो इस टाइप तो नहीं बनाना आवा था पहले, दो रोटी पो कर जब बीच में आलू दिया कर दी उस टाइप तो बनाया कर दी, तो अब बना ली मैं ऐसे। इसके अंदर मैंने आलू भर दिया और दोबारा फिर वैसे ही बना दी है जैसी पहले थी, और इसको बेल लिया है। शाम ने किया कि सब्जी बनाऊंगी भाई सार्थक तो खावा कौन है, तो उसकी ही थोड़ी ही मना आलू की चटनी बचा कर रखी है, शाम ने फिर वो तो वो ही मांगेगा कि मम्मी चाहे मेरे तो और कुछ दे दे पर मैं किया कि सब्जी ना खाऊं, पता नहीं वो बालका के वैसे तो देखा हम बालक थे हम भी नहीं कराया करते घिया तोरी की सब्जी ना बढ़िया ही ना लग गई थी। तो इस तरह मैंने अपनी सारी लोहिया में भर लिया था आलू और देसी घी में भाई अपना बढ़िया तरीके से परोठे तार दे मैं, अब तक तो भगवान की दया भाई देखो ये है अपना सब्जी में तो मैं तेल का छोंक यूज कराया करूँ, बाकी भाई देसी घी में गुजार हो रहा है भगवान की दया बढ़िया काम चल रहा है, कोई वो इसी बात नहीं है अगर भाई खाने पीने में कोई वो है उपाग्र सब तो बढ़िया बात तो ये अपना खाना पीना देसी हो शुद्ध हो उस तो बढ़िया कोई बात ना होया कर दी। तो ये गाय का घी है देखो पीला इसलिए दिखा कदे ना सोचो भाई रिफाइंड या तेल वगैरह है, जो गाय का घी होया करो थोड़ा पीलेपन पे होया करे, अब तो मेरे पास गाय है नहीं वो मैंने घर पर पूछा दी, तो पहले उसका घी था 4-5 किलो घी इकट्ठा हो गया था वो चल रहा अब तक, घी की मौज थी भाई इस सीजन में तो, बल्कि मैंने दूध एक बार भी बलोया एक होना है मार्च में मैस पे आई थी, क्यों हो गया थोड़ा बहुत नॉर्मली जब सफ़ेद घी बनाने का जी करे तो बेचक नहीं तो बाकी अब तक तो दूध दे बेचन लग रहे क्योंकि घी ये पिछले ब्यात का इतना दरिया है, जब अपना 3 थे 2 भैंस थी 1 गाय थी जब का ही रखे अभी। अपना बाकी ये है जो शुद्ध खाना उसका तो लगे वो है मजा है, ये जो हम बाहर तब मंगाव है चीज आजकल जैसे ये मंगा लिया समोसे वगैरह इतना जी खराब हो जाए खा के, पहले वाला ना किसी जी चीज में टेस्ट ना रह रहा, इस तो बढ़िया तो जो घर पे चीज बनाऊ वो एक नंबर की बने है, अरे कच्चे पैक के परोठे हमने बढ़िया ना लागिया करते जो सही तरिया ना सीखा ना मज़ा नहीं आता, तो मैं तो सही कती ना लाल लाल ही बनाया दिया करूँ कती ब्राउन से कच्चेपन वाले बढ़िया ना लगते ना उनमें टेस्ट होता ना कुछ टेस्ट होता होगा भाई कच्चा कच्चा हमने तो बढ़िया नहीं लगता फिर। तो इस तरह अभी मैंने अपने सारे परोठे सेक लिए थे और सार्थक का लंच तैयार हो गया था बढ़िया वाला, खाकर खुश हो जाए वो इस टाइप की चीज़ा ने, और भाई जब बच्चा खुश हो तो माँ का तो दिल अपने आप खुश हो जावे, और बच्चा कुछ चीज़ राजी होकर खा ले तो उस तो अपने आप पे नू वहाँ भी खाया बालक ने शांति मिल जावे है, नहीं तो ये ही रोवे है कि भाई खांदा तो है नहीं क्यों बनाऊँ। मैंने 4 पराठे बनाए थे इस तरह 2 सार्थक के भेजे थे 2 मैंने खा लिए थे,
सार्थक के पापा ने जो खीर बच रही थी वो ही खाई थी, उसने नहीं खाई थी रोटी, वो बहुत कम खावे। मैं 32 खाना खा लूँ भाई, उसकी खुराक कम है। और तो 2 परोठे मैंने अपने सेक लिए थे, 2 सार्थक के बेच दिए थे। गर्मी इतनी ज़्यादा भाई, परोठे पौंदने क्यों पर मेरे पास वो छोटा फैन तो है नहीं ना भाई, इसी कोई सुविधा सी है कर रसोई में थोड़ी बहुत बाल लग जावे, तो गर्मी में इतना बुरा हाल हो रहा था कि रोटी पौंदने भी जी हार लग रहा था कति जमा।